अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडी टेस्ट लैब। कैसे हैं आप सब? आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो। बहुत ही कम वक्त में बन के ये रेडी हो जाती है। अगर आपका कुछ खट्टा या चटखारेदार खाने को दिल करा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हम बनाएंगे चटखारेदार आलू कुट, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने छील लिया। अब उनको हम इस तरह पीसीज में कट कर लेंगे। पीस आपने इसके ज़्यादा बारीक नहीं करने, आप इनकी मोटाई देख सकते हैं। आलू को कट करने के बाद आपने गर्म पानी में इनको ऐड करना है, उनको 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। 5 मिनट हो चुके थे इनको बॉईल करते हुए। इस तरह हम किसी से स्ट्रेनर या छन्नी में आलू को बाहर निकाल लेंगे, सारा पानी इसका खुश्क होने देंगे। आलू का पानी खुश्क हो गया था इसलिए मैंने पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इनको हमने हाफ फ्राई करना है, पूरा इनको कुक नहीं करना। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमने सिंपल एक गिलास लेना है, एक आलू का पीस लेंगे, उसको प्लेट में रखेंगे और इस तरह इसके ऊपर ग्लास रख के इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए ये करना बहुत ईजी है, आप आसानी से कर लेंगे। इसी तरह हम सारे आलू को रेडी कर लेंगे। सारे आलू मैंने रेडी कर लिए थे, मैंने दोबारा से ऑयल गर्म कर लिया। अब जो हमने आलू रेडी किए थे वो हम दोबारा से फ्राई करेंगे। अब इनको हमने फुल क्रिस्पी करना है। ये आप कलर चेक कर सकते हैं, इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे, कितना अच्छा कलर आ चुका है। ये फुल क्रिस्पी हो चुके हैं, अब इनको हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए सारे आलू मैंने बाहर निकाल लिए। अब इनके ऊपर मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके ऊपर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। साथ में इसके ऊपर एक लेमन स्क्वीज करूँगी। देखिए बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी बनके तैयार होती है। अगर आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप बार बार इसको ट्राई करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। लेमन इसके ऊपर मैंने एक स्क्वीज कर दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार से आलू टुक बन के रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, इससे मेरी नई हर आने वाली वीडियो मिलेगी आपको। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।